सिरसौत गांव में SC ST एक्ट के केस में राजीनामा नहीं करने पर दलित परिवार के ऊपर टूटा दबंगों का कहर, 4 घायल। शिवपुरी जिले के सिरसौत गांव में SC ST एक्ट के केस में राजीनामा नहीं करने पर एक दलित परिवार के साथ दबंगों द्वारा बेरहमी से मारपीट और घर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। जख्मी हालत में जिला अस्पताल में इलाज करने पहुंचे घायलों ने बताया कि कोर्ट में चल रहे हरिजन एक्ट के मामले में राजीनामा करने से इनकार करने पर दबंगों ने न केवल लात घूंसो बल्कि पत्थर और कुल्हाड़ी से उनके ऊपर हमला कर बेरहमी से मारपीट कर उनके घर में भी तोड़फोड़ कर दी। आरोप है कि हमलावरों के पास अवैध हथियार भी थे। पुलिस ने पीड़ितों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भेजकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मुन्ना जाटव उम्र 58 वर्ष निवासी सिरसौत का गांव के ही भरत शर्मा से कोर्ट में चल रहे हरिजन एक्ट के एक मामले को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा है। हरिजन एक्ट के मामले को लेकर आज भरत शर्मा ने मुन्ना जाटव से राजीनामे के लिए कहा, जिस पर से विवाद हुआ और भरत शर्मा, छुट्टन शर्मा, सरपंच शर्मा, दिनेश जाटव और संतोष जाटव ने मुन्ना जाटव के परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में मुन्ना जाटव, उसकी पत्नी मीना जाटव, पुत्र नरेंद्र जाटव और मुलायम जाटव घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भेज कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो कैसा क्या घटना क्रम हुआ, किसने मारपीट किए थे? कौन ने मारा? मामा ने। पंडित ने। क्यों मारा, क्या कारण था? कोई कारण, कोई पुरानी रंजिश वगैरह? वो ओरिजिनेट लगा था, उसको पंडित लोगों पे। मीना, कैसा क्या घटनाक्रम हुआ आज, क्या हुआ? घर बैठे मार गए थे। कौन ने मारा? वो भी पंडित ने मारे हैं। कौन सा पंडित था? वो मोड़ा जान दो। क्यों मारा? भरत है। क्यों मारा, क्या कारण था, कारण क्या था? वो ओरिजिनेट लगा था। हाँ, इसी कारण से मारा था। क्या नाम भैया आपका? क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम ये हुआ है, सामने वाले पंडित लोगों पे, वो भरत शर्मा पर हरिजन एक्ट लगा था, राजीनामा नहीं कर रहे, इस वजह से हमारे घर पे आके 4-5 लोग, दिनेश जाटव, भरत शर्मा, चुट्टन शर्मा, सरपंच शर्मा और संतोष जाटव, सब ने आके मारपीट की है, बुरी तरह से मारा है, जूतों से, चप्पलों से ले लिया, तो पत्थर आया, कुल्हाड़ी, खट्टा था उनके पास, गाड़ी भी फोड़ दी, हमारा गेट भी तोड़ दिया, काफ़ी नुकसान हुआ है, मम्मी के पैर तोड़ दिए, मेरे हाथ में दिए, मेरे भी चोट आई है गंभीर, बहुत सी चोट आई है। क्यों, क्या कारण था इसमें? कारण यही था, सामने वाले व्यक्ति पर हरिजन एक्ट लगा था, हमने राजीनामा नहीं किया था, उस वजह से। कितने लोगों को चोट आई है? 4 लोगों को आई है चोट। कैसी क्या चोट आई है इसमें? हाथ पैर टूट गए, अलग ही हो गए, वो तो हाथ अलग हो गया, पैर अलग हो गया उनका। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर अभी इलाज कर रहे हैं। पुलिस वाले जो आए मेडिकल करवाने वाले, वो क्या बोल रहे थे? आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, पुलिस वाले साथ में आए, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले ये बोल रहे थे तुम्हारे इलाज करवा देते हैं हम, बस और तो कुछ नहीं बोला, वो गिरफ्तारी अभी नहीं करेंगे, हमेशा बोल रहे थे जाँच होगी, जब हो जब तक जाँच करेंगे, जब तक तो और मारपीट करेंगे हमारे साथ। आपने तो जो बोला कि पुलिस वाले मेन मौके पर पहुंचे नहीं थे, जब साहब को फोन लगाया, एसपी साहब को फोन लगाया, जब राजीव दुबे को फोन लगाया था, मैं कुछ पत्रकार, मैंने फोन किया था उनको, मैंने सर ऐसी ऐसी घटना हो रही है, आप मौके पे आए जल्दी, वो बोला चुनाव का माहौल चल रहा है, सबकी ड्यूटी लगी, मैंने फिर एसपी साहब को फोन लगाया, मैंने साहब ऐसी ऐसी मेरी बात हो रही, तो उन्होंने फोन किया था, जब जाके ये आए हमारे पास। किस चीज़ के पत्रकार हो आप? मैं मीडिया की आवाज़। मीडिया की आवाज़ जी।